ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फकार, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। अब इसके साथ ही नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जाम शुरू कोटरी साइड एरिया में माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में भी 14-15 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आवाम का जीना दोबर हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अली बसरा से। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोटरी साइड एरिया सिकंदराबाद और साइड के इलाकों में बिजली गायब। रमज़ान के इस बबरकत महीने में 16 घंटे की लोड शेडिंग, जो 8 घंटे लाइट आती है वो भी डिम, वो लाइट किसी काम की नहीं होती। इतनी डिम लाइट में ना फ्रिज चले, ना मोटर, ना पंखा। लाइट ना होने की वजह से पानी घरों में ख़त्म हो गया, पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं। तारिक डेपर SDO ने हद पार कर दी। सिकंदराबाद और साइड इलाकों ने इत्तेजाज किया और कहा कि SDO तारिक डेपर को फौरन हटाया जाए और हमारी लाइट का मसला हल किया जाए। और लोगों ने यह भी कहा था कि अगर लोड शेडिंग कम ना की गई और डिम लाइट का मसला हल ना किया गया तो जाम शोरो बाईपास पर धरना दिया जाएगा। जी शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए SM News।